नमस्ते। उच्च माध्यमिक एजुकेशन का यह प्रश्न पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य संरचना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित कोठारी कमीशन की सिफारिशों को व्यक्त करें। बालक प्राथमिक उत्तर बालक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में प्रवेश से पूर्व जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। यह बालक की आयु 5 या 6 वर्ष होने तक चलती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास करना, दूसरा बच्चों में वस्त्र पहनने, नहाने धोने, भोजन करने, स्वच्छ रहने आदि दैनिक क्षमताओं का विकास करना, और तीसरा बच्चों में सौंदर्य बोध जागृत करना। प्रश्न का दूसरा अंश पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संरचना। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई सुनिश्चित सर्वमान्य संरचना नहीं है। पहला क्रेश जन्म से 3 वर्ष तक, दूसरा नर्सरी स्कूल 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, चौथा मॉन्टेसरी स्कूल 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, चौथा किंडरगार्टन 4 वर्ष से 6 वर्ष तक, और पांचवा प्री बेसिक स्कूल 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। पाठ्यक्रम अगला अंश प्रश्नांश पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को किसी भी नाम से पुकारे उनके पाठ्यक्रमों में प्राय समानता पाई जाती है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित किए जाते हैं। पहला शिशु गीत, दूसरा गिनती, तीसरा खेलकूद, इसी तरह व्यायाम, सामूहिक नृत्य, सामूहिक गीत, अभिनय, चित्रकारी, पालतू पशु पक्षियों की पहचान एवं देखभाल, बागवानी, कागज, मिट्टी, गत्ते एवं लकड़ी के टुकड़े और प्लास्टिक उपकरण से विभिन्न सामान बनाना, भाषा, खान पान, वेशभूषा की प्रचलित रीति, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित का प्रारंभिक ज्ञान। इस तरह उत्तर पूरा हुआ। धन्यवाद।